दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है और टीम चुनने के लिए चयन समिति की बैठक हुई थी जिसमें चयनकर्ताओं ने अनुभवी खिलाड़ियों से भरी हुई टीम का चयन किया है जिसमें जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस टीम से टीम इंडिया के फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और सबसे ज़्यादा निराश हैं टीम में संजू सैमसन को न चुने जाने से। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि लोग चाहते थे कि संजू सैमसन को ऋषभ पंत की जगह T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुना जाए और वो T20 वर्ल्ड कप के लिए उनसे बेहतर दावेदार थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद भी ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। आप सभी को बता दें कि ऋषभ पंत ने एशिया कप के 4 मैचों में मात्र 51 रन ही बना पाए थे और ये बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। ऋषभ पंत को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड काफ़ी ज़्यादा मौके देते आई है, लेकिन वहीं बात करें अगर संजू सैमसन की तो संजू सैमसन टीम के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार थे T20 वर्ल्ड कप के लिए और टीम में न चुने जाने की वजह से ही टीम इंडिया के फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और उनका मानना है कि संजू सैमसन को वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुना जाना चाहिए था। तो दोस्तों क्या आपकी भी यही राय है, क्या संजू सैमसन को ऋषभ पंत की जगह टीम में चुना जाना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।